नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने सांपों को देखा या कहीं ना कहीं इनके बारे में सुना तो जरूर होगा ही, जिन्हें संस्कृत में सर्प और अंग्रेजी में स्नेक कहा जाता है, और आप इनसे भलीभांति परिचित भी होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सांपों के राजा के बारे में सुना है, अर्थात नागराज, नागों के राजा? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर मैं अमित एक नई जानकारी व नए तथ्यों के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। आपको याद होगा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में विश्व के सबसे लंबी दूरी प्रवास करने वाले पक्षी के बारे में चर्चा की थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े जहरीले सांप की, जो सांपों के राजा के रूप में भी जाना जाता है। वैसे कहने को तो कुछ सांपों को छोड़कर अधिकांश सांप जहरीले ही होते हैं, लेकिन जब बात जहरीले सांपों में भी सबसे जहरीले सांप की हो तो एक ही नाम याद आता है, वह है किंग कोबरा, जिसका वैज्ञानिक नाम ऑफियोफेगस हेना है। जी हाँ, किंग कोबरा या कहें नागराज, जिनके बारे में कहा जाता है कि संभवतः यह धरती पर पाए जाने वाले सभी सांपों में सबसे डरावना या कहें भयंकर सांप है। यह अपने आकार व जानलेवा डंक के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर इनकी लंबाई 10 से 13 फीट देखने को मिलती है। कई बार यह इससे बड़े भी देखने को मिल सकते हैं। कहा जाता है कि खतरे के समय यह अपने फन को फैला लेते हैं, और खतरा अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो तो इस स्थिति में ये लंबी सांस खींचकर भयंकर फुफकार निकालते हैं, मानो ऐसा लग रहा हो कि जैसे यह गुर्रा रहा हो। यही खूबी अन्य सांपों द्वारा निकाले गए सामान्य फुफकार से इन्हें अलग बनाती है। इनके डंक की बात करें तो एक दंश में लगभग ये 2 छोटे चम्मच जितना जहर अपने शिकार के शरीर में छोड़ देता है, जो एक सामान्य व्यक्ति को 30 मिनट में तथा एक हाथी को 3 घंटे में मौत की नींद सुला देता है। सबसे रोचक तथ्य इनके बारे में यह कहा जाता है कि यह विश्व का एकमात्र सांप है जो घोंसलों में अंडे देता है, और इस घोंसले की रक्षा वह तब तक करता है जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल आते। माना जाता है कि इनका जीवन काल 20 से 22 वर्षों का होता है तथा औसत जीवन काल लगभग 17 वर्षों का होता है। इनके बारे में तो यह तक कहा जाता है कि यह अच्छे तैराक के साथ साथ ऊंचाई चढ़ने में भी माहिर होते हैं। ये मुख्य रूप से भारत, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षा वनों व मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में मानवीय गतिविधियां इनके अस्तित्व के लिए खतरा साबित हो रही हैं, जैसे वनों की कटाई, केंचुली जिसका मतलब होता है कि सांपों के शरीर पर पाई जाने वाली एक महीन झिल्ली, इनका उपयोग भोजन व औषधि प्रयोजन हेतु किया जाता है। यही कारण है कि IUCN की रेड लिस्ट में ये सुबेद या कहें वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं। इसलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि लोगों को जागरूक बनाकर इनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाए। आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लोगों को जागरूक बना सकते हैं और इनके संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं हम समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।